नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। दुनिया भर में डॉक्टरी के पेशे को सम्मान प्राप्त है, उसमें पिछले कुछ दिनों से गिरावट आई है। वजह भी है, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जिससे मरीजों और लोगों का भरोसा डॉक्टरों और अस्पतालों पर कम हुआ है। हालांकि मर्ज है और मजबूरी है कि डॉक्टर के पास जाना ही है, लेकिन पैराडाइज पेपर्स के जरिए फोर्टिस एस्कॉर्ट के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ को लेकर जो खुलासा हुआ वो बेहद चौंकाने वाला है। इस खुलासे और डॉक्टरी पेशे में आई इस गिरावट पर हम आज जरूर चर्चा करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अब ये पेशा पूरी तरह से कमर्शियल हो गया है, क्या इस पेशे से जुड़े लोग नियमों का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। बातचीत से पहले आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मेडिकल सेक्टर में कमीशन और इलाज के नाम पर गैर जरूरी वसूली की खबरें लगातार आती रहती हैं। ऐसे में पैराडाइज पेपर्स का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। इसके मुताबिक फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ ने जिस कंपनी के स्टेंट अपने मरीजों को इस्तेमाल करने की सलाह दी, उसी कंपनी ने उन्हें साल 2004 में $90,000 के शेयर ऑफर किए। इन शेयरों को बेचकर डॉक्टर सेठ 54 लाख रुपए का मुनाफा भी कमा चुके हैं। लेकिन ये खबर आने के बाद देश में डॉक्टरी पेशे पर भरोसा एक बार फिर कमजोर पड़ गया है। फोर्टिस एस्कॉर्ट्स के चेयरमैन डॉक्टर अशोक सेठ भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर सेठ के कामों की बदौलत उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण तक से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर सेठ फोर्टिस ग्रुप में कार्डियोलॉजी काउंसिल के हेड भी हैं। पैराडाइज पेपर्स के मुताबिक बरमूडा की सिंगापुर बेस्ड एक स्टेंट बनाने वाली कंपनी जो कि सिंगापुर एक्सचेंज पर लिस्ट होने वाली थी, उसने लिस्टिंग से पहले डॉक्टर सेठ को अक्टूबर 2004 में 5,000 शेयर देने का फैसला किया। उस समय शेयरों की कुल कीमत $90,000 थी। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर सेठ का कहना है कि उस समय उन्होंने ये शेयर नहीं लिए। ये शेयर उन्होंने 9 साल बाद यानी अप्रैल 2013 में लिए और इसके लिए $90,000 का भुगतान किया। इसके ठीक 3 साल बाद उन्होंने ये शेयर बेच दिए और इससे उन्हें 54 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। उन्होंने दावा किया कि इस दौरान उन्होंने स्टेंट बनाने वाली विदेशी कंपनी का कोई स्टेंट यूज नहीं किया और पूरी जानकारी टैक्स रिटर्न में दी गई। अब सवाल ये है कि डॉक्टर सेठ ने आखिर उस कंपनी के शेयर क्यों लिए जिस कंपनी के स्टेंट लगाने की सलाह वो अपने मरीजों को देते थे। वहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनने के बाद भी डॉक्टर सेठ ने शेयर क्यों लिए, क्योंकि कंपनी 2004 में $90,000 के भाव पर शेयर देने के लिए तैयार थी, तो डॉक्टर सेठ को ठीक इसी भाव पर ये शेयर 9 साल बाद भी कैसे मिल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पैराडाइज पेपर्स का ये बड़ा खुलासा है। मेरे साथ तमाम खास मेहमान हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर डीएस राणा है, चेयरमैन है सर गंगाराम अस्पताल के हमारे साथ। डॉक्टर के अग्रवाल है, नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए, बेजॉन मिश्रा कंज्यूमर एक्टिविस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर राणा, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। सर, 9 साल बाद जो शेयर यहां पर डॉक्टर साहब को मिले वो उसी दाम पर थे जो 9 साल पहले थे, क्या नहीं बनता ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला जब आपकी कंपनी में या जब आपके अस्पताल में उसी कंपनी का स्टेंट लगाया जाता है जिसके आपने शेयर्स खरीदे हैं? मैं ये नहीं बता सकता हूं कि ये सही है नहीं, क्योंकि शेयर बिजनेस के बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं है क्या होता है। पर यस, उसी कंपनी के शेयर थे जिसके स्टेंट बनते हैं। सिंस डॉक्टर सेठ एक कार्डियोलॉजिस्ट ने, इसलिए कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बारी आ रही है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि इस तरह तो कोई भी डॉक्टर किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, इसका मतलब डॉक्टर जो शेयर में बिजनेस करते हैं या कोई शेयर खरीदते हैं। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर सेठ ने उस कंपनी खरीदे तो लगवाता है। सर मुझे 10 सेकंड दीजिए, मैं आपको बताती हूँ हम जिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। एक स्टेंट बनाने वाली कंपनी है जिसने 2004 में डॉक्टर साहब को शेयर्स ऑफर किए, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से वो शेयर ऑफर किए गए और डॉक्टर साहब का कहना है कि उन्होंने 2004 में वो शेयर नहीं लिए लेकिन 2013 में कुछ शेयर्स खरीदे, यानी कि 2013 तक उनकी कीमत जो है सर वो बढ़ गई होगी, लेकिन उसके बावजूद उसी कीमत पर डॉक्टर साहब ने शेयर्स खरीदे
जो 2004 का प्राइस था, 9 साल बाद उसी कीमत पर शेयर्स खरीदे और 3 साल बाद जब बेचा तो 54 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये वो कंपनी है जिसके लिए आप कहते हैं अपने मरीजों को कि आप इस कंपनी का स्टेंट लगाइए। इसलिए मैंने आपसे पूछा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं है। फायदा तो दिखता है ना सर, अगर 9 साल बाद भी उसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब होगा यदि मान लो उस पर मार्केट प्राइस क्या थी 2013 में इंस्टेंट शेयर की। सर 2004 से तो कहीं ज्यादा थी, लेकिन अगर 2004 के प्राइस पर आपको 2013 यदि मान लो 2013 में जो मार्केट प्राइस ज्यादा थी और इनको सस्ते दिए गए और इनको, तो कंपनी ने गलत किया है और डॉक्टरों ने उनके नॉलेज में तो उन्होंने भी गलत किया होगा। पर ये नहीं मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टरों को कोई राइट नहीं है शेयर खरीदने का। पर सर्टनली ये गलत है कि यदि मान लो मार्केट प्राइस उस शेयर की ज़्यादा थी और डॉक्टर सेठ को उन्होंने एक कंसेशन रेट पर शेयर दिए, देन दैट इज ए नॉट राइट थिंग। ठीक है, बेजॉन हमारे साथ है। बेजॉन क्या कहेंगे आप इस पर? डीएस राणा साहब जो बात कह रहे हैं उसमें वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स को शेयर खरीदने का हक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आप शेयर खरीद लीजिए, लेकिन जिस कंपनी के स्टेंट आप रेकमेंड करते हैं अपने पेशेंट्स को, उसी के शेयर आप खरीद रहे हैं, वो भी 9 साल पुराने भाव पर, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट साफ तौर पर बनता नहीं, है। ये तो जाहिर है। इसी हर डॉक्टर्स को ये समझना होगा कि हम कैसे पारदर्शिता लाएं हमारे प्रोफेशन में और किस ढंग से हम कोई भी व्यक्ति हो, जितनी भी मतलब सीनियर व्यक्ति हो, वो यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको रेप्रिमांड जरूर करना चाहिए एसोसिएशन की तरफ से या प्रोफेशनल बॉडियों की तरफ से कि ये गलत हुआ, और उस गलती के लिए मतलब उनको भुगतान जरूर करना चाहिए। इनफैक्ट हम तो ये कहेंगे कि इस ढंग के जो पैसे वो बनाए उसको तुरंत अपने से वॉलंटरली कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल देना चाहिए वापस, ताकि एक वॉलंटरी रूप से वो ये दिखा सके लोगों को कि भाई ठीक है, हमने तो इस नियत से नहीं किए थे, हम इस नियत से किए थे कि यूजी हम अपना इन्वेस्टमेंट को सही ढंग से मतलब एक सही उपयोग करें, लेकिन हम अपना इन्वेस्टमेंट को जो किए वो सही नहीं था, एथिकल नहीं था, देर वॉज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। सो जो भी एनरिचमेंट हमारा हुआ है, जो भी पैसे हम बनाए हैं इससे, हम इसको एक न्यूट्रल फंड में, एक फाउंडेशन में दे रहे हैं, ताकि उस पैसे से पुअर पेशेंट्स का इलाज हो या उस लोगों का इलाज हो जो आज कार्डियक के लिए पीड़ित हैं या कार्डियक रिलेटेड डिजीज से पीड़ित हैं। तो हम समझते हैं कि गलती हो जाता है, गलती किए ये साबित हो गया, तो आपको खुद वॉलंटरली आ जाना चाहिए सामने, रैदर देन गोइंग इन टू अ लीगल यू नो बैटल, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते रहो कि इसका मतलब क्या डॉक्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम लोग तो ये नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बेजॉन एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कोई पहला मामला नहीं है। डॉक्टर अग्रवाल, क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये पहला मामला नहीं है? इससे भी हमने बहुत सारे पैथ लैब्स हो, मेडिकल शॉप्स हो, मेडिसिन की शॉप्स हो, डॉक्टर आपको कहता है कि आप उस दुकान से जाकर फलाना दवाई खरीद लीजिए या फिर उस पैथ लैब से जाकर आप टेस्ट करा लीजिए। सर हर आम आदमी ये बात समझता है और ये बात जानता भी है, लेकिन उसके बावजूद कोई स्ट्रिक्ट, या तो डॉक्टर को स्ट्रिक्ट एक्शन का डर नहीं है, मैं शायद दबी हुई आवाज में ही कह रही हूं, लेकिन आप समझ पा रहे होंगे मेरी बात। नो, लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट द लॉ इज। द लॉ कम्स इन 6.8.1 इन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एथिक्स रेगुलेशंस, and we have to read 6.8.1g, and that is affiliation. In what way medical practitioner can be affiliated with a pharma company or a healthcare industry? Any association is allowed, provided, so this is the law which I am speaking, ensure that his professional integrity and freedom are maintained. That's the first thing. Second is ensure that patients' interests are not compromised in any way. So if you are pushing a particular product because you have an interest, then it is misconduct, otherwise no. Three, ensure that such affiliations are within the law. That means if you are buying the shares within the law by a check money at the market rate, it's allowed. Four, ensure that such affiliations are fully transparent and disclosed.
If these buying of the shares reflects in his income tax returns, he has discloses the name of the company returns. Otherwise, if he is buying any share in the market which is cheaper, even the it will be an income tax problem. The income tax people will have to catch him that why have you got a the very fact he is buying it and disclosing it in the income tax. And then when you are buying a share after a few years, you cannot buy it from the company. You will buy it from a buyer. If some buyer is giving him a shares, unless you say that company has given him a preferential shares at a cheaper rate and a cheaper market, then you have to prove that. Then this will be a financial fraud, not the medical association fraud. Our fraud is that if you are misusing your investment by putting it unnecessary on your patients. Now, Dr. Seth is working in a hospital. He is working in an industry. I don't think so. This is his personal hospital where he's pushing the stents. So I don't think so at the moment. Unless there is a violation of 1-4, there is no misconduct. ठीक है सर. आप ये सोचते हैं भाई जॉन? नहीं हम तो डॉक्टर साहब को ये कहेंगे डॉक्टर साहब आपने लॉ को पढ़ दिए विच इज वेरी नाइस लेकिन लेट अस इंटरप्रेट इट. आप यदि इंटरप्रेट करेंगे उसको आपको जाहिर हो जाएगा कि पहले तो कोई भी पेशेंट्स यदि हम लोग कभी भी डॉक्टर से पूछते भी हैं कि आप हमको फलाना जगह पे भेजिए या आप हमको बताइए कहाँ जाना चाहिए यू नो डायग्नोस्टिक के लिए कहाँ जाना चाहिए अपना इन्वेस्टिगेशंस के लिए कौन से प्रोडक्ट कहाँ से खरीदे ये बिकॉज लोग डॉक्टर को बहुत विश्वास करते हैं इसलिए पूछते हैं. पूछने के बाद यदि आप एक पर्टिकुलर कंपनी को बार बार रिकमेंड कर रहे हो इसके मतलब ही देयर इज समथिंग अनएथिकल और यदि आप कर रहे हो नंबर वन. नंबर टू यदि कोई भी ट्रांजैक्शंस दिखा रहा है कि आपको या आपके रिलेटिव्स को या आपके संस्था को इनडायरेक्टली डायरेक्टली उन संस्थाओं से या उनके एफिलिएटेड संस्थाओं से पेमेंट मिल रहा है तो इसका मतलब ही इट इज अनएथिकल अगेन. मेरा कहना है कि आज ये जाहिर हो रहा है और कई सबूत है ये तो एक ही पंडोरा बॉक्स खुला है ये तो एक ही पंडोरा आपको भी मालूम है. डॉक्टर अग्रवाल हम ये नहीं कह रहे हैं कि डॉक्टर शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं लेकिन आप खुद बताइए कि जिस कीमत पर 2004 में शेयर है अगर उस कीमत पर आपको 2013 में शेयर मिल जाता है और वही कंपनी दे रही है जिसके स्टैंड आप रेकमेंड करते हैं सर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं ना आप. हमारे को देखिए आपको दो तीन चीजें हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए. हमें पहली इन्फॉर्मेशन ये चाहिए कि जिस पीरियड के टाइम पे उनके पास शेयर्स थे उन्होंने कितने पेशेंट को वो स्टैंड लगाया. बाकी डॉक्टरों ने पूरे इंडस्ट्री में इफ यू कैन से पूरे इंडिया में किसी ने नहीं लगाया उन्होंने लगाया. आई कैन अंडरस्टैंड. अगर आप बोले उनके अस्पताल में सिर्फ वो स्टैंड लगाते हैं बाकी लोग वो स्टैंड नहीं लगाते आई कैन अंडरस्टैंड. अगर आप ये बोलो कि उस पीरियड में उनके स्टैंड ज्यादा लगे आई कैन अंडरस्टैंड. अदरवाइज तो आज की डेट में सारे अस्पतालों में डॉक्टर्स के शेयर्स हैं. आज की डेट में इवन तो शायद अगर चेयरमैन कहता है कि इस कंपनी के स्टैंड लगेंगे हमारे अस्पताल में तो जितना मैं समझती हूँ सर मैं आपके जितनी समझदार नहीं हूँ लेकिन जितना मैं समझती हूँ अगर चेयरमैन कह रहा है कि अगर आप ये प्रूफ करें कंपनी के स्टैंड लगेंगे तो सर लगाएगा ना अस्पताल भी. एग्रेड लेकिन फिर हमें आप ये भी बताइए ना कि इस कंपनी के अलावा बाकी कंपनियों के स्टैंड्स वहां नहीं मिलते थे और वो यूज ही नहीं होते थे. ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन करके दीजिए ना. लेट्स नॉट क्रिएट ए स्टोरी कि पेपर में एक स्टोरी आई और हम इसके ऊपर में हल्ले के ऊपर में लग जाए. लेट इट बी इन्वेस्टिगेटेड. हमारे लिए तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आया है. हमने बहुत बार देखा है एग्जाम्पल बड़ा तौर है सर. डॉक्टर एग्जाम्पल अगर कोई डॉक्टर इन्वेस्टमेंट करके उसको जबरदस्ती पेशेंट पे ठोकता है तो वो गलत है. There is no denial about it. अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर चीज को उसकी कंपनी मेरी बीवी के नाम पे है और मैं उसको बेच रहा हूं तो वो गलत है. लेकिन अगर मैं अपोलो में काम करता हूं और अपोलो के शेयर खरीदता हूं और अपोलो में पेशेंट को एडमिट करता हूं तो वो गलत नहीं है. अगर मैं 10 डॉक्टर मिलकर एक अस्पताल खोलते हैं तो वो गलत नहीं है. अगर मैं किसी लेबोरेटरी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करता हूं तो वो गलत नहीं है. ठीक है वो मेरे को अगर मैं किसी कंपनी में मान लीजिए एक MRI वो तो हम लोग समझते हैं. हाँ सर लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पर जिस डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि जब आप बीमार होते हैं तो आपको पता है कि यही एक वो शख्स है जो आपको ठीक कर सकता है आपको स्वस्थ कर सकता है. ऐसे में जब इस तरह की खबरें आती हैं तो डॉक्टर जैसी बड़ी छवि वाले शख्स की इमेज पर भी डेंट पड़ता है सर. पूरी इंडस्ट्री पर डेंट पड़ता है. फिर
तो क्या आईएमए कोई एक्शन लेगा? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए को शेयर्स नहीं खरीदना चाहिए? नहीं, आईएमए इस मामले को देख रहा है. वी विल कम बैक विद द रिपोर्ट इन द नेक्स्ट 72 आवर्स. We already have written to Dr. Seth कि आप अपना वर्षन हमें दीजिए. हमें प्रेमा फिसाया कुछ नहीं लग रहा कि उनके ऊपर में कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगता है. ठीक है, बेजॉन, यू वांट टू ऐड समथिंग? नहीं, हम केवल इतना ही ऐड करना चाहते हैं कि आप जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो इस ढंग से होनी चाहिए कि निष्पक्षता आनी चाहिए उसमें. आप ही लोग आपने डॉक्टर्स के पक्ष में देखोगे तो नेचुरली लोग भी शक करेंगे. तो आपका रिपोर्ट भी जो आप कर रहे हो 72 आवर्स में जो निकालेंगे उसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपको कि आप ऐसे ऐसे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व कीजिए ताकि वो दिखे कि आप केवल अपने आप बैठकर अपने कोई मेंबर्स का आप जांच नहीं कर रहे हो. आप एक न्यूट्रल बॉडी को अपॉइंट करके उनका जांच करवा रहे हो. नहीं, हम आज की डेट में कोई इन्वेस्टिगेटिव टीम नहीं बना रहे. हमने उनसे उनका वर्षन मांगा है. उसका वर्षन पढ़ने के बाद में अगर हमें लगता है कि उस वर्षन से हम सेटिस्फाइड हैं तो हमारे यहाँ से कोई कमेटी नहीं बैठेगी. लेकिन अगर हमें लगता है कि उसके वर्षन के अंदर में कुछ गड़बड़ियां हैं तो हम कमेटी जरूर बनाएंगे. ठीक है सर. डॉक्टर राणा, आप खुद चेयरमैन हैं सर गंगाराम अस्पताल के. जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने यहां पर कहा कि सिर्फ अकेले डॉक्टर सेठ ने ये नहीं डिसाइड किया होगा कि इसी पर्टिकुलर कंपनी के स्टेंट लगे. और जो बात मैंने कही कि क्या चेयरमैन किसी अस्पताल में ये डिसाइड नहीं करता है, जैसा कि मैंने कहा कि इसी कंपनी के पर्टिकुलर के स्टेंट लगाए, और क्यों हम ये मुद्दा उठा रहे हैं? साफ तौर पर कहीं ना कहीं सर आम आदमी आहत होता है जब वो ये देखता है कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है. मैं इस मामले में डॉक्टर सेठ की बात नहीं कर रही हूं, बट मैं ये बात कर रही हूं कि जब आप अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर लैब में या मेडिकल शॉप के लिए आपको रेकमेंड करता है, तो पेशेंट बखूबी समझता है कि उसको यहां कमीशन मिल रहा है या उसे कोई फायदा हो रहा है. मैं आपके साथ सहमत हूं कि चेयरमैन शायद इन्फ्लुएंस कर सकता है. मैं अपने हॉस्पिटल के बारे में कह सकता हूं कि हर चीज कमेटी तय करती है, और जो यूज करते हैं, जाहिर लाइक स्टैंड्स यूज होते हैं, तो कार्डियोलॉजिस्ट एक ही ओपिनियन ली जाती है. वहां आठों को आठ कार्डियोलॉजिस्ट की ओपिनियन ली जाती है, और एक सिस्टम है जिससे कोई अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं हो. और डॉक्टर अशोक कुमार सेठ के हमारे दोस्त हैं, हम आप उनको जो चाहे बेजान जी कह रहे हैं कि वो पैसा दे दें या करें, बिना उनको हम कसूरवार नहीं कह सकते बिना प्रूव किए हुए. डॉक्टर राणा, आपने मुझसे पूछा था, आपने मुझसे शेयरों की कीमत पूछी थी. मैं आपको बता दूं कि 2004 में, आप सुन तो लो मेरे से. सर, मैं आपकी बात सुन रही हूं. नहीं, मेरे सुन लो. आपने कहा वो गलत है. कहिए सर. यदि कोई शेयर 2004 की कीमत पर दोबारा वो उसी शेयर पर ना उसी कीमत पर 2013 में बेचे गए, तो उसका कोई छानबीन हो, कोई पता हो, मुझे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना. मैंने आपको पहले भी एडमिट किया कि मैंने शेयर कभी रखे नहीं, कभी खरीदे नहीं. मैं शेयर के बारे में कुछ आता है, लेकिन सर क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है डॉक्टर्स का? और एक तरीके से एड्रेस कर दिया डॉक्टर राणा, क्या कॉन्फ्लिक्ट 100% कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो जिस तरीके से मान लो जो डॉक्टर अग्रवाल ने आपको कहा कि वही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं किसी अस्पताल में या किसी संस्था में जो बाकी जगह यूज नहीं हो रही है या उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिल रही है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा. ठीक है, यदि मान लो लेट अस से डॉक्टर सेठ कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, मैं थोड़े फॉर ए पॉइंट जस्ट ही इज जस्ट ओनली चेयरमैन ऑफ दैट हॉस्पिटल एंड ही इज फोर्सिंग हिज कंसल्टेंट टू यूज पार्टिकुलर स्टेंट, यू नो वेयर ही माइट हैव गॉट सम हिडन इंटरेस्ट, देन इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो दैट विल बी कॉल्ड सॉर्ट ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस. बट लेट अस से कि ए स्टेंट इज बीइंग यूटिलाइज एंड हियर इवन इफ सम कंपनी हैज फेवर्ड हिम लाइक दैट, that is also wrong. That some shares were sold at the same price. हम यही बात they were listed in 2004. That is wrong. That is wrong. But we don't know about that fact. But that is wrong actually. And then that way that company has failed, favored him and he accepted that favor. So then that will be wrong. But nobody knows that has been done or not. Or not. We don't know about this thing. But I can agree. Yes, if the company is failing somebody. कैसे doctors अपने फायदे के लिए कई बार patients को चूना लगाते हैं और शायद अस्पताल को भी चूना लगाते होंगे. डॉक्टर अग्रवाल, एक बात मैं आपसे समझना चाहती हूँ. आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के नेशनल प्रेसिडेंट हैं सर. बहुत सारे केसेस ऐसे आते होंगे जहां पर आपको खुद भी पता चलता होगा कि
एक अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर कैसे बाहर अपनी दुकान भी चला रहा होता है। ऐसे में आईएमए क्या एक्शन लेता है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने स्ट्रांग नहीं है, या डॉक्टर्स फिर इतने समझदार हैं कि वो आसानी से बच जाते हैं ऐसी सिचुएशन से जब वो पाथ लैब्स को फेवर करते हैं, जब वो मेडिकल शॉप्स को फेवर करते हैं, जब कई बार हमने देखा है। जी मैं आपको थोड़ा आप समझ लीजिए। जी सर, अगर मैं एक पर्टिकुलर एमआरआई के लिए लैब को भेजता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा कट या मेरा वहां टाका फिटा हुआ है। ये भी हो सकता है कि वहां की जो मशीन है वो 3 टेस्ला हो, दूसरे की मशीन 1.5 टेस्ला हो। अगर मैं किसी को सीटी स्कैन के लिए एक पर्टिकुलर लैब में भेज रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वहां पे टाका बिठा हुआ है। हो सकता है उसकी जो लैब है उसका सीटी स्कैन का रेडिएशन लेवल बाकी सीटी स्कैन के रेडिएशन लेवल से कम हो। अगर मैं किसी को एक पर्टिकुलर लैब को अगर मैं पैथोलॉजी के लिए भेज रहा हूं तो मैं इसलिए भी भेज सकता हूं कि उसकी रिलायबिलिटी, उसके स्टैंडर्ड ज्यादा अच्छे हो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटलेट काउंट दो लैब के अंदर में 40,000 का डिफरेंस आ सकता है अनलेस यू हैव ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी। सो लेट्स नॉट से कि इफ आई से कि एक पर्टिकुलर लैब में जाओ तो आपको जो है, आप खुद ही बोलते हो कि मेरा जो जी बिजनेस है और मेरे बाकी टीवी से मैं वी आर बेटर, वी हैव ए बेटर टीआरपी, इसलिए जी बिजनेस को देखो। तो क्या इसका मतलब है कि मेरे जी बिजनेस के अंदर में कोई टाका बिठा हुआ है, या मैं अगर मैं आपके जी बिजनेस में अगर मैं आपके शो में आ रहा हूँ इसका मतलब मेरा कोई टाका बिठा हुआ है? नहीं। लेट्स गो ऑन बैरिट, लेट्स गो ऑन बैरिट, लेट्स गो ऑन बैरिट। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हैं वो शायद आप बड़े सर बड़े शहरों के लिए आप वो बात बोल रहे हैं। बड़े शहरों में जब आपके पास ऑप्शंस होता है तो डॉक्टर कई बार ये भी कहता है कि ये दो तीन अच्छे लैब्स हैं जहां पर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मेरे साथ खुद भी हुआ है, जब डॉक्टर हमें कहता है कि ये दो तीन अच्छे लैब्स हैं आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, सही मशीनरी है यहाँ पर सर। लेकिन छोटे शहरों में टियर टू सिटीज में ये मशीनरी आए हैं, ब्लड शुगर करने के लिए 1,000 रुपए की मशीन भी है, 45 लाख की मशीन भी है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल। मैं सिर्फ एक ही चीज कह रहा हूं कि मेडिकल प्रोफेशन नोबल था, है और रहेगा। अगर हम डॉक्टरों पे विश्वास छोड़ देंगे, अगर कोई 4-5-10% लोग करप्ट है उनको एक्सपोज करिए, उनको पनिश करिए। ठीक है, लेट्स नॉट डिफेम द मेडिकल प्रोफेशन सर, लेट्स नॉट डिफेम, लेट्स नॉट जनरलाइज थिंग्स सर। हम जनरलाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। क्यों मैं आपसे इस बारे में बातचीत कर रही थी, इसलिए कि हमने बहुत बार लोगों को देखा है और खासतौर पर टीयर टू टीयर थ्री सिटीज में तो ये बहुत होता है सर, जब डॉक्टर्स जो है उनकी सांठगांठ होती है, लैब्स के साथ भी होती है, मेडिकल मेडिसिन शॉप्स के साथ होता है, तो वो गलत है। मेजर सिटीज में भी आप छोटे गली कूचे में जो आदमी शायद अच्छा महंगा डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता है, जब वो एक छोटे डॉक्टर के पास जाता है जिसकी दुकान जिसका क्लिनिक एक छोटी जगह पर होता है, तो वो इस तरह की रिकमेंडेशंस करता है। और हम भी यही चाहते हैं क्योंकि एक नोबल प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है सर। हाँ, आईएमए की पॉलिसी बड़ी क्लियर है, कोई भी आदमी कट एंड कमीशन, दैट मींस एनी मनी रिसीव्ड विदाउट सर्विस इज इलीगल, और आईएमए उसकी प्राइमरी मेंबरशिप कैंसिल कर सकता है। वेरी क्विकली मेजर मिश्रा, योर लास्ट क्लोजिंग कमेंट्स, क्या ऐसी कोई कमेटी बनी है? नहीं, मेरा लास्ट कमेंट यही है कि जो भी लोग आप जैसे कह रहे हैं कि एक्सपोज कीजिए उनको और उनको पनिश कीजिए, तो आप लोगों का भी मदद चाहिए इसके लिए। बिल्कुल, और आप यदि मदद नहीं करेंगे तो ये एक्सपोजर कभी नहीं होगा। आपको भी मालूम है सरकार ने एक कमिटी गठन की है जिसमें वो लोग देखे एक नेक्सस बिटवीन द डायग्नोस्टिक सेंटर्स एंड द मेडिकल प्रोफेशनल्स एंड हॉस्पिटल्स, तो इसका पूरा रिपोर्ट सरकार के पास है। आपको भी मालूम है आईएमए ने मेडिकल काउंसिल ने इस पर जांच भी की है, बट हम लोगों को अभी तक नहीं पता लगा कि उसका हुआ क्या, निष्कासन कैसे हुआ, किस ढंग से आप लोग ने एक्शन लिए, और हम लोगों के जो रिकमेंडेशन सरकार के पास गया उसका क्या हुआ, डॉक्टर्स लोग ने इस पे क्या बोल रहे हैं। जल्दी से, मेरे पास समय कम है, आप इस पर जवाब देना चाहेंगे? मेरा जवाब सिरा सिंपल है कि वो केस जिसके बारे में बिजौन जी कह रहे हैं, उस केस के अंदर में बाद में पुलिस इंक्वायरी रिपोर्ट आई कि वो जो स्टिंग ऑपरेशन हुआ था वो गलत था, वो स्टिंग ऑपरेशन एक फ्रॉड था, वो स्टिंग ऑपरेशन पैसे लेटेंटर के लिए हुआ था। और ये जो सरकारी कमेटी की बात हो रही है, वो कमेटी की रिपोर्ट हम भी आईएमए की तरफ से मांग रहे हैं कि उसको आप डिस्क्लोज करो, उसको पब्लिक करो, पब्लिक डोमेन में वो रिपोर्ट लेकर आए ताकि आईएमए भी देख सके। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर राणा, थैंक यू सो मच। बिजौन, थैंक यू सो मच। यानी कि कुल मिलाकर बिजौन, एक ऐसी रिपोर्ट है जो शायद डिस्क्लोज यहां पर नहीं हुई है और उसे भी डिस्क्लोज करने की जरूरत है। देखिए, अंत में
एक सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आम आदमी जब बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है तो वो डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं होता है उसके लिए, वो डॉक्टर एक दोस्त भी होता है और वो डॉक्टर भगवान के रूप में एक ऐसा शख्स होता है जो आपको स्वस्थ कर सकता है। जब इस तरह की बातें, इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो दुख ज्यादा होता है और शायद यही हर आदमी चाहेगा, हर आम आदमी चाहेगा कि डॉक्टर उसे एटलीस्ट एंड ऑफ द डे बेवकूफ ना बनाए, उससे पैसे बनाकर अपना भंडार यहां पर ना भरे। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।